मुस्लिम महिलाको मिलिबो भरण पोषण। सुप्रीम कोर्ट सुनाइले ऐतिहासिक राय। महिलाको अधिकार टु उर्धरे नुहे धर्म। मुस्लिम संप्रदायर महिला माने मध्य एणिकि छाड़पत्र परे पाइबे भरण पोषण। तेलंगानार एक मामला उपरे सुनाणी करी जस्टिस भिपी नागरत्न ओ अगस्टिन मासीकु नै गठित खंडपीठ एही ऐतिहासिक राय सुनाइछन्ति। भरण पोषण सबु धर्मर महिलांक अधिकार, कौनसी धर्म यहार ऊर्ध्वरे नुहे। सीआरपीसी धारा 125 अनुयायी मुस्लिम महिला माने मध्य छाड़पत्र परे भरण पोषण दाबी करिपेरे बोली खंडपीठ कहिछन्ति। तेबे जानंतु सीआरपीसीर धारा 125 महिलांक देइछि केउ अधिकार। सीआरपीसी धारा 125 कौन? स्त्री संतान और माता पिता भरण पोषण नहीं धारा रे उल्लेख रही। बड़े स्वामी पिता किंबा पुओं ठार् आश्रित किंबा परित्यक्ता महिला माने भरण पोषण दाबी करिपरिबे जो समय से निकट में परिवार चलेबे को कौनसी साधन नथिबो। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि राहत की गहरी सांस है। अब वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, जो दर दर भटकती थी तलाक के बाद, जिनके पास अपने गुजर बसर के लिए पैसे नहीं होते थे, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई भी आर्थिक जरिया नहीं होता था, अब वो सेक्शन 125 यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। आईनगत लड़ाई रे मुस्लिम महिला को विजय। कोर्ट कहिले पुरुष बुझंतु महिला को त्यागर महत्व। तेलंगाना हाईकोर्ट को राय विरोध रे मोहम्मद अब्दुल मसाद नामक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ होइतिले। छाड़पत्र को नहीं संरक्षण अधिकार आईन 1986 अनुजाई मुस्लिम महिला भरण पोषण आवेदन करिपरिबे नाही बोली आवेदनकारी वकिल कोर्ट रे जुक्ति बाढ़ी जहाँ को सुप्रीम कोर्ट को खंडपीठ खारज कर दे। हमारी यही गुजारिश है कि मजहब इस्लाम ने वाजे तौर पर एक इंसानी जिंदगी के लिए हिदायत पेश की है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है ताकि जो मजहबी आजादी है वो कहीं ना कहीं मजरू ना हो और मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बाकी रहे। तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं वो दारुल कजा के जरिए उस फैसले पर पहुंचे, ये उनके लिए बेहतर है। ट्रिपल तलाक आईन उच्छेद पर मुस्लिम महिला को यहा है आउ एक बड़ आईनगत विजय। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।